होनहार युवा जिसमें पानी सिर्फ घुटनों तक है। नहीं 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 हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कल हम लोगों ने अरंबोल बीच छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोग बागा बीच आए। कल शाम को यहाँ शिफ्ट किए तो कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो सोचा रेस्ट कर लेते हैं। और अभी हम लोग बागा बीच पे ही है, तो यहाँ पे एक बागा बीच नदी है, वहाँ पे थोड़ा बोटिंग होती है, तो सोच रहे थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। और वैसे हमारा आज गोवा में लास्ट डे है, तो आज जितना शूट कर सकते हैं आज करेंगे। बागा बागा कैसा लग रहा है? बागा बहुत अच्छा है, कंपेयर टू से भी अच्छा है। और अरंबोल से कंपेयर करना तो बेइज्जती होगी बागा की। नहीं नहीं, लेकिन अरंबोल का एक अलग है अपना चुपी है, इसको हम लोग दो दिन के लिए अच्छा लगेगा। हाँ, दो दिन के लिए अरंबोल अच्छा लगेगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं। कल जब हम लोग यहाँ शिफ्ट किए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अरंबोल हम लोग शायद जेल में थे या खुद को सजा दी कि चलो वहाँ रहते हैं। बाद में दो दिन तो वहाँ घूम लिए। हाँ, स्वीट लेक चले गए, बनियान ट्री चले गए, बिल्कुल। उसके बाद हमने एक आध दिन और रुकने की कोशिश की, वो सही नहीं थी। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी छोटे होटल में हम लोग रुक रहे हैं जिसमें 1000 रुपीज़ 12000, पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। थैंकफुल पावर की तो यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी बड़े होटल तो नहीं, ये भी कौन सा बड़ा होटल है, ये भी तो बड़ा होटल नहीं है। हाँ, खाने का यहाँ बहुत चॉइस है, बहुत ज़्यादा ही चॉइस है। नॉर्थ इंडियन जो खाना है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा बागा, ज़बरदस्त है। नॉन वेज का भी अच्छा है, बिल्कुल, कलंगूट से भी अच्छा है। तो ये वही लेक है जिसमें भी हम लोग बोटिंग करेंगे, काफ़ी अच्छा व्यू है। रिवर साइड में भी ये होटल अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम ये होटल हम लोग ट्राई करेंगे। क्या बोलता विनोद, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये होटल ट्राई करेंगे। ये फट्टू ये जा नहीं रहा, मैं जा चुका हूँ, मैं ऐसी नदियों में नहीं जाता, चलते हुए पानी में लहरों कर रहा है। क्या ये गंदा है क्या पानी? लहरों में गया था, पानी गंदा है, ये पानी रुका हुआ है, इसमें कोई वो थोड़ी है चलाने में। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो करना पड़ता है। एक छोटा सा तालाब है, जोड़ है, जिसमें हमारे होनहार युवा जिसमें पानी सिर्फ घुटनों तक है जिसमें पानी सिर्फ घुटनों तक है, फिर भी हमारे साहब ने लाइफ जैकेट पहनी है। फाइनली हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या की ही समथिंग बोलते हैं, ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बागा बीच की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। घुटने पर पानी था जिसमें? नहीं 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 नहीं, पानी था, पानी था, अबे गहरा था, बीच में गहरा था, बीच में गहरा था, मैं देखा भे बीच में पानी था जिसमें इसने लाइफ जैकेट भी पहनी। डर तो लगता है ना थोड़ा सा, किससे लगता है? पानी गंदा था भाई बहुत, तो
थोड़ा पानी के अंदर। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं ना, बागा बीच जा रहे हैं ना, बागा बीच। बागा बीच की तरफ चलिए, तो फिर वहाँ बागा बीच की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज लास्ट है अपना? हाँ, आज हमारा लास्ट डे है, कल सुबह सुबह हमारी फ्लाइट है, फिर देखेंगे फिर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होती है। कहाँ जा रहा है? घर। हम लोग वापस अब एयरपोर्ट जा रहे हैं, ट्रिप हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। वहाँ से अपने अपने घर, अपने अपने घर, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे क्या करना नहीं करना। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग काम के लिए मिलेंगे ज़रूर, काम थोड़ा मिलते तो रहेंगे, लंबी ट्रिप नहीं मारेंगे। हाँ, लंबा ट्रिप नहीं मारेंगे, हो सकता है मैं ही गंगानगर जाऊँ या दिल्ली जाऊँ या राजस्थान जाऊँ, कहीं ना कहीं जाऊँगा। फ्लाइट मिल रही है काफ़ी है ना। सब अपने लिए इन लोगों ने लॉन्च बना के रखा, हम लोग के लिए कोई लॉन्च नहीं है। भाई लोग कितने दिन लगाए हम लोग? 20 को आए थे, 20 या 21 आए थे। काफ़ी दिन अच्छा टाइम गुजरा और फाइनली अब मेरी बोर्डिंग का टाइम हो गया है, तो मैं तो पहले निकल रहा हूँ, अभी 10 मिनट मेरी बोर्डिंग हो जाएगी, फिर विनोद निकलेगा। विनोद की वाया मुंबई होके जयपुर है, फिर वहाँ से वो बस पकड़ के घर जाएगा, ऑटो पकड़ेंगे। हाँ, मुझे तो घर पहुँचने में कल सुबह ये टाइम हो जाएगा, फिर अभी अगले 2-3 घंटे में घर। हाँ, तो कल तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये ट्रिप, अब कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे तो फिर देखा जाएगा। चल ठीक है, टाटा बाय। अच्छा लगा मिलके, मिलते हैं फिर, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।